नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ाती नजर आ रही है, लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा है और हाईकोर्ट में यह कहा गया है, हाईकोर्ट ने दरअसल अब दिशा निर्देश दिए हैं। ईडी से कहा गया है कि जो भी साक्ष्य ईडी के पास हैं, जांच में जो साक्ष्य जुटाए हैं, वो कोर्ट में जमा कराए जाएं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज है और हर दिन जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में कई नेताओं और अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। साहेबगंज के बरहरवा थाने में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को एक मामले में 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट दिए जाने पर अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने जहां लोअर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है, तो वहीं ईडी से भी तमाम तथ्य मांगे गए हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई है। वहीं मामले में संताल के निवासी शंभुनंदन कुमार ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी, जिसमें एक टेंडर को लेकर विवाद बताया गया था। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के साथ साथ कई नाम शामिल थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जब क्लीन चिट दी तब मामला तूल पकड़ा था, तो वहीं ईडी ने इस मामले को अवैध माइनिंग के साथ जोड़कर जांच कर रही है। अब राजनीतिक जगत में भी हर दिन कुछ न कुछ नया मोड़ सामने आता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी एक बार फिर से इस मामले में जांच की कार्रवाई का समर्थन करती नजर आ रही है। सुपर डिविजन रिपोर्ट जिस तरह से आनंद फानंद में वहां के डीएसपी 24 घंटे के अंदर मंत्री आलमगीर आलम को और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे देते हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर इतनी त्वरित कार्रवाई हुई कैसे और जांच कैसे पूरी होगी। इसी विषय को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है कि अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, अधिकारियों ने इतनी तत्परता क्यों दिखाई जबकि पुलिस थानों में कई मामले जांच के लिए वर्षों से लंबित है। जबकि सत्ताधारी दल के नेता बार बार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में राज्य की हेमंत सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है और केंद्र की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तानाशाही इस देश को मंजूर नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की कोई भी कोशिश का हम माकूल जवाब देने को तैयार हैं, चाहे वो न्याय के मंदिर में हो, चाहे वो विधायी सदन में हो, चाहे वो सड़क पर। इस प्रकार से हम लोगों को डराया नहीं जा सकता। तो वहीं झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी अपने साक्ष्य में हाईकोर्ट को क्या उपलब्ध कराती है और उसके बाद मुश्किलें किसके बढ़ने वाली हैं। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो दरअसल मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को लेकर के जो मामला सामने आया है, आधे घंटे में ही दोनों लोगों के ऊपर लगे आरोप निराधार बता दिए गए और क्लीन चिट दे दी गई है। मामले की जांच लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल आपसे ही मुखर्जी जी कि भाई इतनी त्वरित कार्रवाई हमने तो कभी नहीं देखी है, शायद क्योंकि आपका अनुभव ज़्यादा है, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, और हाँ जाहिर तौर पर है कि इतनी त्वरित कार्रवाई, 30 मिनट, 13 जगहों की छानबीन, 14 लोगों से पूछताछ, मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है कभी। कितना भी बड़ा मामला और कितना भी रसूखदार व्यक्ति कोई क्यों ना हो, इतनी फास्ट कार्रवाई और इतनी तेज झारखंड पुलिस, वाह, मतलब मानना पड़ेगा। निश्चित
देखिए अभी राज और पूरे देश में ही चल रहे हैं। हाँ सिर्फ ये राज की बात मत कीजिए, देश में भी देखिए। आप देखे होंगे 8.5 साल में पूरे देश की संपत्ति एक केंद्रीय सरकार ने बेच दी है। कभी सोचे थे, देखे थे? कोई नहीं देखे थे। रेल बेचा, सेल बेचा, बेल बेचा, सब बेचा, अभी सब जमीन बेच रहे हैं। रेलवे का सारे जमीन बेच दिए, हर चीज में एयरपोर्ट बेच दिए। उसी तरह से ये भी चल रहा कि आधा घंटा में इसको नहीं देखे, अभी अभी 2 साल और बाकी है, अभी बहुत चीज देखेंगे बीतते हुए, और ये तो आधा घंटा में हुआ, 5 मिनट वाला भी आप देखेंगे। मतलब है हमारे देश ये कहां देखने को मिला? 7 मिनट का जो आप अंदेशा बता रहे हैं, ये झारखंड में ही देखने को मिलेगा कि किसी और राज्य में आप अंदेशा जता रहे हैं? नहीं नहीं, झारखंड में नहीं देखने मिलेगा, देश में देखने मिलेगा। आप बहुत जल्द आपको पता चलेगा, कल सुबह भी हो सकता है पता चल सकता है, टेलीकॉम बिक गए। चलिए ठीक है, 2 जन बेचते हैं और 2 जन खरीदते हैं, अरे तीसरा कोई व्यक्ति है नहीं देश में खरीदने वाले, कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। उसी तरह से केस भी हो रहे, तो आधा घंटा में क्लीन चिट, 10 मिनट में क्लीन चिट, कभी केसे नहीं हुआ ऐसा भी देखा जाए, और कोई हर जगह देखे क्लीन चिट। पिछला बार चल जाइए, जो आज मैडम जेलों के अंदर है, रघुवर जी उनको क्लीन चिट दे दिए थे, केस आपस ले लिए थे, क्लीन चिट मिल गए। तो ये सब हो रहा अभी राज्य में, ये देखा जा रहा देश के जो जो चीज देखे जा रहे, देश में जो जो चीज चल रहे हैं। अब राज्य में तो आधा घंटा का दिए, वो तो पूरे घोटाले बाजे को छोड़ दिए, बोले चल जाओ तुम क्लीन आ जाओ तुम सरकार के अंदर। प्रदीप ये चीज चल रहे हैं, ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, देखिए जिस तरीके कितने उदाहरण दे दिए मुखर्जी जी ने, और आपकी सरकार के भी जांच के उदाहरण दे दिए, और वो तो केंद्र सरकार तक चले गए हैं, कि दरअसल उसी नक्शे कदम पर भी झारखंड सरकार चलती नजर आ रही है। खैर इतनी इतना तेज काम हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, और आपकी सरकार का मुखर्जी जी उदाहरण दे रहे हैं। देखिए जब किसी के पास कोई जवाब नहीं हो, हाँ आप सवाल पूछेंगे कि आम किस पेड़ पर फलता है, बताएंगे इमली के पेड़ पर लगता है, चले गए कहाँ कहाँ, अरे खरीद बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है, आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाए, किसी ने रोका है? जो भी डिस्ट्रेंजेस होती है उसमें तो आप होता है, आपको मतलब किया क्या किसी, आप उसमें बीडर हो जाइए, अगर आपको अधिकारी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बात बनाने के लिए अपनी बातों को कैसे कौन करें, आधा घंटा में कैसे जांच हो गया उस पर कोई जवाब नहीं दिया, 5 मिनट में आप देखेंगे भविष्यवाणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि एक तो देखिए इनकी पार्टी की, आप कह मैं जो कहूँ कि पार्टी में क्या, सरकार में इनकी क्या भूमिका है सभी लोग जानते हैं, कोई इनकी सुनता नहीं। अब आपने बिठा दिया तो कुछ भी बोलना है बोल रहे हैं। जाहिर तौर पर जो कार्रवाई हुई है कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस विषय पे इनको बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया। जो डीएसपी थे आधे घंटे में जांच कर दिया, 14 लोगों से पूछताछ भी कर दी, 13 जगहों पर चले गए, रिपोर्ट सबमिट कर दिया, वरीय अधिकारी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए आगे, जो केस का आयु है वो कहता है कि नहीं हम पर दबाव डाला गया और हमको भी दबाव में लेकर सिग्नेचर कराया गया। अब देखिए इन बातों को बताने के बजाय कि आखिर कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया ये नहीं बताएंगे, रघुवर दास ने छोड़ दिया, अरे रघुवर दास ने छोड़ दिया, जांच किया छोड़ दिया, 5 मिनट में नहीं हुआ था, उसके खिलाफ जो मनरेगा वाला मामला था पूजा सिंघल के खिलाफ 2 सालों तक जांच हुई, उसके बाद उनको बरी कर दिया गया। ठीक है मैं मानता हूं आपके पास सबूत है तो चले जाइए कोर्ट, अभी इंटरव्यू कीजिए, उचित अवसर है, लगे हाथ अगर आप पे भी सुनवाई हो जाए और शामिल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आप आपकी जो मंशा है वो भी पूरी हो जाएगी। 3 सालों से सरकार में है, अभी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं 15 दिनों के बाद, लेकिन एसीबी की कार्रवाई, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला और क्या क्या लेके आए थे, कि बहुत सारे घोटाले रघुवर दास ने कर दिए और हमको जांच करना है, इनको तो भाई होटवार जेल भेजना है। 3 साल में आप बताइए कि चार्जशीट तो दूर की बात छोड़ दीजिए, प्राइमरी रिपोर्ट एसीबी की ओर से नहीं आई कि कोई अगर हमको सबूत मिला हो हम रखना चाहते हैं,
आज तक वो स्थिति नहीं है। लेकिन आरोप तो यही लगाते हैं ना कि दरअसल जब एजेंसी आपकी है तो ये शिकायत करे तो कहाँ करे, इनका बड़ा आरोप तो ये भी एक है भाई। एसीबी तो इनकी है ना, राज्य की इकाई है, राज्य की इकाई से वो जांच करवा रहे हैं एसीबी से, तो सबूत नहीं मिल रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो किसी के खिलाफ आप जबरदस्ती केस तो फ्रेम नहीं कर सकते ना। अगर मान लीजिए आपने कर भी दिया तो फिर कोर्ट में जाकर उसका हक क्या होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 3 साल जीतने के बाद भी अगर कोई कदम नहीं बढ़ पाया है तो झेप मिटाने के लिए कुछ भी अनर्गल बोलना है तो आप पूछेंगे कुछ और, लेकिन इनका स्क्रिप्ट तैयार है, लेख लिखा हुआ है, उसी को पढ़ना है। मुखर्जी जी क्या कुछ ऐसा है क्या कि मतलब आप पहले से स्क्रिप्ट तैयार करके आते हैं और उसके बाद वही आधार पर बोल देते हैं, सवाल कुछ भी हो लेकिन जवाब आपका ही होना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे राज्य में मात्र 81 विधायक है और 3.25 करोड़ जनता है, तो सरकार बनती है जनता के बीच। हम नहीं कहते कि मैं कौन पार्टी हूँ क्या हूँ, मैं राज्य की जनता हूँ, जनता है हम, जनता तो कहेंगे कि आपने गलतियां की। इसके चलते पार्टी को पकड़ना जरूरी नहीं है, कौन बीजेपी कर रहा, कौन कांग्रेस कर रहा, कौन राजद कर रहा, कौन एनसीसी कर रहा, कौन माफ़त कर रहा, कोई नहीं जरूरत। जनता को कहना है कि जो गलतियां हुई है उसके बारे तो जनता से पूछेगी, जनता किन से पूछेगी, यहां तो जनता उल्टा है, यहां जनता सरकार से पूछनी चाहिए, यहां सरकार से पूछनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन आप सरकार से पूछेंगे किससे, आप देखिए केंद्र में जो बैठे हैं उससे कोई नहीं पूछते हैं, पूछते हैं विपक्ष से 70 साल में क्या नहीं किए बोलते हैं, लेकिन 8 साल में देश भेज दिए वो नहीं बोलते हैं। अरे बोलना चाहिए, बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए जनता को, बोलने दीजिए। 1.25 करोड़ जनता की मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, लेकिन एक बार भी वो कुछ बोलते हैं प्रेस में, सुने हैं कभी बोलते हुए, नहीं बोले, बोलते हैं प्रवक्ता बोलेंगे। अरे जब प्रवक्ता बोलेंगे तो प्रवक्ता को ही पीएम बना दो, क्यों अपने बने हुए, ये नहीं होनी चाहिए। जवाब देने की जरूरत है, तो जनता पूछ रही है उसके जवाब दो, क्योंकि जनता आपको लाए हैं कुर्सी में, चुन के लाए, भले आपको 30% वोट मिले, 32% वोट मिले, लेकिन जनता तो चुन के लाई है ना, तो जनता को तो जवाब देने पड़ेगी। आज जनता पूछ रही है, 2 साल बाद भी पूछेंगे, सिर्फ एक जाति विशेष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब करके अपनी वोट बटोरने वाले को। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रदीप जी आते हैं आपके पास, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और है मुखर्जी जी, अब तो राजद भी विद्रोह करने की स्थिति में खड़ी हो गई है, आपने बयान सुना होगा कल नया प्रदेश अध्यक्ष का, किस तरीके से कह रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि राजद कोई विरोध नहीं कर रहे, राजद के यहाँ झारखंड में मजबूती जगह है, लेकिन देश में ऐसी सरकार आ गई उसे मिटाने के लिए राजद कुर्बानियां दी है ये कह रही है राजद, और राजद के बदौलत आज ये सरकार बनी है। 30 सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं नहीं, लेकिन उसने साफ तौर पर कहा ना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमको दरकिनार करते नजर आ रहे हैं, अपनी मन की चला रहे हैं, कोई पूछताछ तो है नहीं है राजद की सरकार के अंदर, और अगर ऐसा चला तो आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होंगी, और वो प्रत्येक विधानसभा के लिए अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हम तो चाहते कि 81 विधानसभा की तैयारी करे और महागठबंधन जो बनेगी वो और मजबूत बने। जिस विधानसभा में राजद रहे, अगर 20 सीट राजद रहे तो 20 सीट राजद को जीतनी चाहिए, अगर वो 10 सीट छोड़ते किसी के लिए, वो 10 सीट जिनके लिए छोड़े उनको जीतना चाहिए। ऐसा गठबंधन 24वीं जरूरत है और वह निश्चित तौर पर होगी। प्रदीप जी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं आपके लिए, और आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं नहीं देखिए, मैं मुश्किल इनकी ये है ना, कि कभी तो हमारे विरोधी दल के लोग ये कहेंगे कि मोदी जी तो 24/7 जो है इलेक्शन मोड में होते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो बोलते नहीं है, और प्रवक्ता के लिए बोल देते हैं कि प्रवक्ता से पूछ लो। अब जहां तक प्रश्न है कि मोदी जी को किसके पास बोलना है, और जिस जनता की ये दुहाई दे रहा है ना, जनता के पास जाके वो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गए थे कांग्रेस पार्टी के लोग, 2 सीटें आई 403 से लड़े थे, 2 सीटें आई। खूब बोला उन्होंने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन झारखंड में महिलाओं से रेप हो रहा है, 4,500 से ज्यादा मामले हो गए, आज ही एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, पिछले 14 दिनों से हो रहा था, आज लड़की ने FIR किया है। कई जगह तो ऐसे उदाहरण हैं कि FIR करने के लिए पिता जाते हैं थाने पर तो थाने से भगा दिया जाता है। इस पर ये नहीं बोलेंगे कि हम सरकार पर दबाव बनाएं, आप अगर उसको सहयोग कर रहे हैं
तो सहयोग करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप आंख मूंद के हर चीज पर सहयोग करना। अरे जो चीजें राज्य हित में है उसके बारे में तो कभी बोलिए, लेकिन ये घूम फिर कर केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, केंद्र सरकार वैसा कर रही है। 2024 में अवसर मिलेगा आपको, 2024 में आजमा लीजिएगा और जितनी भड़ास होगी मन की निकाल भी लीजिएगा, फिर देखेंगे। 2024 में 19 में किया था ना, पूरा देश बिक गया, बेरोजगारी हो गई, कंगाली हो गई देश में, उससे भी ज्यादा सीटें आई। इसलिए मैं समझता हूँ ये रोना धोना जो है इनका ना वो तो अब चलेगा, अभी अभी तो इनको रोना है, काफी लंबे समय तक रोना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन राज्य जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे थे उस विषय पर छोड़कर बाकी चीजों पर बोलना है, ठीक बात। लेकिन मैं यही कहूंगा योगेश जी, इस कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कुछ चीजें बरामद भी हुई है छापेमारी के क्रम में। कल के अखबारों में यहाँ छपा था कि कुछ कोड वर्ड में कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, वो जैसे ही डिपोर्ट होगा बड़े बड़े अधिकारी भी आएंगे जांच के दायरे में। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, जिले के खनन पदाधिकारी हो या कोई भी हो, जिसका भी नाम आता हो इसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के संसाधन को जिन लोगों ने लूटा है, एक तरफ तो संसाधन के रक्षक बनकर आते हैं, जल जंगल जमीन के हम रक्षक। अभी झामुमो के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने बाइट सुनाया उनका, कि तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन लूट शाही चले बर्दाश्त है। पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि, पैसे बरामद हो 3 महीने से जेल में है 4 महीने से, लेकिन उसको प्रतिनिधि पद से हटाएंगे नहीं। ठीक है प्रदीप जी, आपको रोकेंगे और हमारे साथ राकेश सिन्हा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद योगेश जी। राकेश सिन्हा जी, क्या अब ये माना जाए कि आगे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? गाना आपने सुना होगा, ये रात बड़ी भारी है, तो मुझे लगता है कि ये महीना बड़ा भारी है, ऐसा कुछ स्थिति आने वाली है। 22 दिसंबर तक कहा गया है कि ईडी जो है जो भी साक्ष्य जुटाए हैं वो कोर्ट के सामने अदालत के सामने रखने का काम करे। नहीं देखिए, अगर ईडी के पास साक्ष्य है तो साक्ष्य ईडी न्यायालय में रखते, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। लेकिन जिस प्रकार देखिए एक प्रश्न तो उठता है कि जिस मनरेगा घोटाले में अभी अधिकारियों की भी बात हो रही है योगेश जी, जिस मनरेगा घोटाले में इस राज्य के एक बड़े अधिकारी जेल में है, उसी मनरेगा घोटाले का क्लीन चीट जिसकी सरकार में मिला, जिसने उस मनरेगा घोटाले में क्लीन चीट दिया, वो बाहर मैदान में बड़ा बड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। तो आखिर जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है कि आपके शासन काल में भ्रष्टाचार हुए 100 करोड़ का, आपने उसको क्लीन चीट दे दिया, और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो आप महागठबंधन सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने के लिए ईडी बुला करके आप कार्रवाई कर दिए। तो जो भ्रष्टाचारी है वो जेल के शिकंजे के पीछे यार होना भी चाहिए, भ्रष्टाचारी है उसको जेल के शिकंजे के पीछे होना भी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट दिया उसे भी जेल के शिकंजे के पीछे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए प्रदीप जी कह रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके हाथ में राज्य की एजेंसियां हैं, आप भी जांच करा लेते। दूसरी बात, मैंने मुखर्जी जी से भी ये सवाल पूछा था कि इतनी तत्परता मैंने कभी नहीं देखी पुलिस की कि आधे घंटे में यानी 30 मिनट का समय 13 ठिकानों पर जांच पड़ताल और 14 लोगों से पूछताछ, मामले को रफा दफा, इतनी एक्टिव झारखंड की पुलिस। देखिए ये तो आप ईडी के विषय में भी प्रश्न कर सकते हैं कि जितनी तत्परता ईडी गैर भाजपाई शासित राज्यों में दिखाती है उतनी तत्परता मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले में क्यों नहीं दिखाई। तो देखिए प्रश्न तो उठता ही है। नहीं ठीक है, उसका प्रश्न है, वो प्रदीप जी जवाब देंगे, वो प्रदीप जी इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि बीजेपी पर ये आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर काम किया जा रहा है। जी योगेश जी, अभी व्यापम घोटाला की चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी बनी थी, ठीक है कुछ सालों के लिए ही बनी लेकिन बनी थी, तो जांच करवा लेते। और शिवराज सिंह चौहान अगर दोषी थे उसमें तो उनको कटघरे में लाया जाना चाहिए था। कुछ मिलता नहीं है, सत्ता में बैठने के बावजूद भी ढूंढने इनको कुछ मिलता नहीं है, 3 सालों से कुछ मिल नहीं रहा है,
और मैंने जो बात कहा योगेश जी उनको बता दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में इंटरवीनर बन जाइए कि रघुवर दास के शासनकाल में पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी गई थी, इसलिए रघुवर दास के दोषी है, उनके खिलाफ भी कोर्ट जांच करे। ठीक बात, अगर हिम्मत है तो इंटरवीनर बने नहीं, ठीक, लेकिन वो नहीं करेंगे। बयानबाजी, आपके चैनल पर आकर कुछ भी बोल जाना, बस टाइम बाइंग कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है मुखर्जी जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी सवाल आपसे ही है, आपका जवाब भी नहीं आ पाया था। देखिए प्रदीप जी ने एक बात और कह दी है कि अगर आपको अदालत पर तो विश्वास है, आप अदालत का रुख कर सकते हैं, सवाल वही है कि इतनी तत्परता क्यों और कैसे देखने को मिली। देखिए मुझे ये लगता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के मित्र चरितार्थ ना करें। इनमें बेचैनी, इनमें छटपटाहट इसलिए है कि महागठबंधन की सरकार इस राज्य की अस्मिता से लगा हुआ तमाम मुद्दे को जिस प्रकार सकारात्मक रूप से पहल करके खत्म करने का प्रयास किया, इससे एक भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी हो गई है। और बेचैनी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में नहीं है, बल्कि बेचैनी केंद्र सरकार में भी, बेचैनी राज्य के महामहिम में भी। तो हमें यह लगता है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है, न्यायालय है, न्यायालय इसका फैसला ले लेगी। चले ठीक है, न्यायालय है, न्यायालय फैसला ले लेगी। मुखर्जी जी, हमने जिस सवाल को लेकर आए वो सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। सब राकेश जी भी वही कह रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, क्या सवाल है वो समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये आधा घंटे की जो जांच की बात है, ये कैसे जांच हुई, वो तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर पूछताछ हो रही है, ये जरूर से निकलेगी। हाँ। लेकिन क्या जांच हो रही है इसको भी ध्यान देना है। हमारे राज्य में पहले की जांच को भी अगर आप देखा जाए किस तरह से जांचें हुई है, आज इस तरह से 17.5 साल जांच करने के चलते आज हमारे राज्य इस पोजिशन में है। हमारे यहाँ पर हाथी उड़ा के 1 लाख एकड़ जमीन बेच दी, देखिए कोयला का क्षेत्र में क्या किए, हर जगह जो भी 2014 के बाद सरकार आने के बाद उनका जो जो चीज केंद्र के सके सबको बेच, हमारे एक एयरपोर्ट थे वो भी बिक गए देश। तो इस तरह से अगर चले तो हमें लगता है ये 50, आपको जो आधा घंटा देख रही है 10 मिनट में भी जांच खत्म हो सकती है, और कितनी की जांच हो नहीं रही है। हमें लगता है इसको सोचने की जरूरत है, राज्य की जनता को, देश की जनता को निश्चित तौर पर यह सोचने की जरूरत है कि 24 में इस बेचा बेची से बाहर करने के लिए किसे हटाना चाहिए। चलिए लेकिन ठीक है, जो आप सवाल रहे हैं, सारा विपक्ष एकजुट होकर के सामने क्यों नहीं आ जाता है? अगर इन मुद्दों को लेकर के है भाई, अदालत पर आपका भी विश्वास है, सभी का विश्वास है, आप एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, आप सारे लोग एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं इस बात को, इस आवाज को बुलंद करते हैं? आपको बता दें, अभी 5 पूर्व मंत्रियों पर जांच हो रही है, राज्य सरकार जांचें दी है, जांच हो रही है, तो अब उस जांच को ही गलत बताएंगे। अपनी जांच, अपनी गठबंधन की जांच एजेंसी से अगर जांच हो जाए तो गलत नहीं, लेकिन ये 5 जांच स्टेट गवर्नमेंट के बार बार कह रहे थे 2 साल से कि भाई जांच कराओ। तो जांच जो सही जांच थी, बुलडोजर वाली जांच नहीं, जो सही जांच थी वो जांच आगे बढ़ाया गया। इससे परेशान नहीं होनी चाहिए विपक्ष को तो जांच में आनी चाहिए, हमें लगता मदद करने की जरूरत है। अगर मदद ना करे और उस पर अगर कोई कार्रवाई करे, और दूसरी जांच कैसे करेंगे राज्य में, राज्य तो देंगे सेंट्रल को ना, सेंट्रल लेंगे तब ना जांच होगी, यहाँ तो लेंगे ही नहीं क्योंकि सरकार उनकी नहीं है, यही बात है। जी ठीक है, जांच वाली जो बातें चल रही हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाना, देखिए मुखर्जी जी अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। जैसा आप कह रहे हैं, आने वाले समय में झारखंड में भी चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, 100 करोड़ जनता देख रही है। हाँ ठीक बात, सब कुछ दिख रहा है उसका। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से जाँच का दायरा ईडी अपना लगातार बढ़ाती जा रही है, और ईडी ने ये बात के संकेत भी दिए हैं कि दरअसल उन्होंने कई साक्ष्य भी जुटाए हैं, लेकिन अब अदालत ने कहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि दरअसल जो साक्ष्य जुटाए गए ईडी की तरफ से वो अदालत में प्रस्तुत किए जाएं, और देखने वाली बात यह होगी कि साक्ष्य आने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ईडी के रडार पर और सामने आ जाएंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।